जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएंगे, टिकटें ख़रीदेंगे जी। मुख्तलिफ़ ट्रैवल एंड टूर्स जो हैं यहाँ पर बड़ी बाल्क में काफ़ी हैं, आपको बताई सब घूमेंगे। जो रेट वगैरह चल रहा है वो आपको बताऊँगा। खुद से लेने लगा और साथ में ये दोस्त है, ये भी हम दो लेंगे। एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं खुद से बहुत अजीब सा फील हो रहा है। 10 साल का अरसा होता है यार, एक आप भाइयों के साथ तो मैं 2 साल से जॉइंट हूँ, लेकिन 10 साल का अरसा होता है एक। अभी जाएंगे पाकिस्तान में 10 जटर लाहौर के लिए लेंगे, तो फिर अपने गांव में जाएंगे आगे। गांव के रास्ते कैसे हैं, गांव के बाज़ार रास्ते, कच्चे बाज़ार जो होते थे, खेत खलियान सब चेंज हो चुके होंगे। छोटे छोटे बच्चे अभी बड़े हो चुके होंगे, तो बहरहाल अरसा गुजर चुका है जी। एक 10 साल ज़ाहिर सी बात अरसा होता है। इंशाल्लाह आपको मैं टिकट का रेट तो बताता हूँ, बाकी मुकम्मल जो टूर होगा तमाम तक डिटेल शेयर करता रहूँगा जी। एक मकतब वाले से पता किया ट्रैवल एंड टूर्स, तो उसने रेट बताए हैं पी आई ए 750-800 के अराउंड में। उसके बाद जो एयर ब्लू है वो 500-600 के अराउंड में, और उसके बाद जो गुल्फ है एयरलाइन उसकी बता रहा था, गुल्फ़ की कितनी दस रहा सी 850 की। और उसके बाद एमिरेट्स पूछा है तो बता रहा है, अच्छा 15 दिन बाद की ले रहा हूँ मैं आज से, तो एमिरेट्स बता रहा है 1050 की। और उसके बाद बोल रहा है जी इतिहाद एयरलाइन, वो बोल रहा है 500 रियाल में, लेकिन उसमें वो वज़न बोल रहा है 23 किलो है प्लस 7 किलो हैंड कर, यानी कि 30 किलो वज़न है, वो 500 रियाल में बोल रहा है, अबू धाबी वाई के साथ है। आगे वाले दूसरे मकतब में पहुँचे हैं, यहाँ का रेट है मैं कम्प्लीटली आपको दिखाता जाऊँगा, फिर जो ख़रीदेंगे वो भी आपको बताऊँगा। आगे वाले मकतब में घुसे हैं जी, पठान भाई था उसने ये काट दिया अपना मालिश, उन्होंने काट दिया और साथ में बोल दिया है कि 20 तारीख से बाद टिकट ले लो। आज 16-17 हो चुकी है, तो बोल रहा है कि 20 के बाद लो, आपको मज़ीद सस्ती मिलेंगी। अभी टिकटों के रेट हाई हैं, आपकी 20 के बाद लेंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिलने वाली है। जो अभी 800 की है वो बोलता था 500-600 के अराउंड में मिलेगी, तो वो हमने उसको बोला ऐसा ना होगा महंगी हो जाए, बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोबारा से महंगी नहीं होंगी, आप ऐसा करें मेरे ऊपर भरोसा करें, सिर्फ 3 दिन वेट करें, आपको इंशाल्लाह सस्ती मिलेगी। तो उसी के ऊपर भरोसा किया जी अभी मैंने, और मज़ीद घूमने से परहेज़ किया। बहरहाल वीडियो उस टाइम आपके साथ शेयर करूँगा जब मैं टिकट ख़रीद लूँगा। अभी यहाँ तक, अभी तक इस वीडियो में आपको यहाँ तक, आगे वीडियो चल रही है, मैं इंशाल्लाह टिकट लेकर आपको कम्प्लीटली दिखा रहूँगा। बहरहाल आगे वाली वीडियो मैं 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी आपको दिखाता हूँ जी। तो आज मैं, आज हो चुकी है जी 23 या 24 बोल रहे हैं आप, 23 तारीख है आज, तो ये है कि अभी रात का टाइम है, 12 बजे बाद 24 भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो 23 चल रही है। आपने जो पिछली मेरी वीडियो देख लिया वो मैंने 20 से पहले टिकटों के रेट आपको बताए हैं, अभी के जो मैं अभी लेने लगे हैं एक कौन सी लेने लगे हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। वाई वाली टिकटों के मतलब ये है जी कि वो महंगी हो चुकी है मज़ीद। उस टाइम 750-800 के राउंड में एमिरेट्स मिल रही थी, और मेरे खुद से ये सलाह थी कि एमिरेट्स या गुल्फ एयरलाइन या कतर या तुर्कश एयरलाइन या कुवैत एयरलाइन या इनके थ्रू जाएंगे, तो अभी वो भाई 1000+ में, एमिरेट्स तो 1250 में हो चुकी है। तो अभी पी आई ए के मतलब मैंने अभी रेट जो पता किए हैं आपको, मैं मुख्तरी मकतब जो हम घूमते हैं वो पी आई ए की टिकटें भी सस्ती हैं, एयर ब्लू भी सस्ती है, और इनके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस वक्त हमें बेताब किए हुए हैं और हम इसी वक्त जा रहे हैं वो कौन सी है जी, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, ये बैग देख लें, ठीक है, ये लैपटॉप वाला बैग है, और मैंने एक लिया था कारफोर से 20 रियाल में सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर, वो मेरा लैपटॉप बड़ा था वो बैग छोटा निकला। तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई है उससे फिर चेंज करवाया, ये बैग अच्छा है और ये असोडा वालों का है, तो ये उसको 25 रियाल साथ में दिए हैं, तो वैसे तो 55 का बोल रहा था। बहरहाल जो भी है जी, आगे मैं अभी लेता हूँ टिकट और 2-4 ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज हैं वहाँ पर घूमते हैं, और उसके बाद जो भी रेट होंगे इंशाल्लाह ताला आपको लाइव दिखाऊंगा जी। एक मकतब से मैंने वो लिया है, तो पी आई ए 580 रियाल में, 70 किलो वज़न और 7 किलो का हैंड कैरी, और इसके अलावा जो एमिरेट्स है वो 650 में 25 किलो वज़न के साथ, और एयर ब्लू 480 बोल रहा था तकरीबन, 500 बोल रहे हैं, 500 में उसका 60 किलो वज़न है, ठीक है। सरीन एयरलाइन जो मैं आपको बोल रहा था एक इंटरेस्टिंग चीज़ है,
तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बोल रहा था मैं, वो सरीन एयरलाइन है, उसका पूछा है तो वो अभी बोल रहा था वो 550 में है, 60 किलो वजन वाली। तो मुझे पहले पता चला है कि वो सस्ते में मिल रही है, तो कहाँ से मिल रही है सस्ते में वो आपको दिखाता हूँ आगे। हाँ जी, सरीन एयरलाइन के मुतल्लिक पूछा था मैंने आपको, जैसे कि बताया तो वो मिल रही थी 450 में, 70 किलो वज़न और 7 किलो हैंड कैरी, 77 किलो यानी कि वज़न बोरने सारा। तो अभी कुछ बंदों ने ना ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं जो, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसके को खुदा ही हाफज है, जाएगी जाएगी नहीं तो डिले हो जाएगी, आपको या तो वो इस्लामाबाद कन्वर्ट करेंगे या आपके पैसे वापस करेंगे। मैं इसको साथ में ये है जी, इसको बोल रहा था कि फिर उस टाइम भी टिकट हम लेंगे अलहदा से 200-300-400 रियाल जायद डाल के। तो पहले तो ये नारे लगा रहा था दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है और वो है जी सरीन एयरलाइन। इस बंदे ने मुझको जो वाई वाली हो है जी फ्लाइट उससे हटा कर लाया सरीन एयरलाइन के ऊपर कि नहीं है। मैंने बोला चलो नहीं है, इंजॉय करते जाएंगे, सुना तो बहुत है इसके मतलब। लेकिन अभी जो एजेंसी वाले हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। बहरहाल आगे जा रहे हैं जी, कुछ और देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सी करवाते हैं जी। तो अभी बात कर लेते हैं टिकट कौन सी परचेस की। आपको मैं मुकम्मल वीडियो दिखा चुका हूँ पहले कि कौन कौन सी हमने मकतब घूमे, क्या क्या रेट मुख्तलिफ टिकटों के। अभी क्या मैं दोबारा रिपीट करूँगा, डिटेल के साथ बता चुका हूँ मुख्तलिफ डेट के, यानी कि पहले 20 से पहले घूमे, फिर 20 के बाद 24-25 को घूमे। और वीडियो तो अभी लेट शेयर कर रहा हूँ, मार्च में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस वीडियो पड़ी रही, मैं मसरूफ़ रहा काम में, फिर मदीना शरीफ का टूर आपको पता आपके साथ शेयर कर रखा हूँ अभी भी। वो टूर उधर का निकल गया, मक्का जा रहे हैं, वापसी का भी सफ़र है। तो टिकट लीजिए, हमने जो एमरेट्स की मेरी सलाह थी 750 में मिल रही थी, लेकिन 20 से पहले जब पता किया तो वो 1200 तक पहुँच चुकी थी। बाद में रुके कि चलो सस्ती हो जाएगी, फिर 24-25-26 तक रुके रहे, पता करते रहे, लेकिन वही जी 1250 में रही। हाँ, उसमें 650-700 के राउंड में मिल जाती थी इतिहाद या एमरेट्स वगैरह कोई, लेकिन उसमें 23 किलो वज़न था और 7 किलो हैंड कैरी, यानी कि सिर्फ 30 किलो वज़न होता था। 45 किलो प्लस 7 केजी वाली भाई वही 1200-1250 में मिल रही थी एमरेट्स। मेरी वैसे सलाह वही थी लेने की एमरेट्स, क्यों कि आपको थोड़ा दुबई भी घुमाता चलूँ। लेकिन टिकट्स बहुत महंगी हो चुकी हैं, वो बहुत महंगी से मुराद ये है कि अभी की नस्बत तो पहले की नस्बत तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी की नस्बत वो काफ़ी महंगी है। फिर हमने लीजिए एक न्यू एयरलाइन आ चुकी है सरीन एयरलाइन, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ मैं साथ में आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ उसकी बड़ी करके, मेरे पास पॉकेट में है अभी, मैं पेपर आपको क्या दिखाऊँगा पिक्चर दिखा देता हूँ मैं। चलो पेपर दिखाता हूँ, सफ़र करो जी। तो ये है जी, देख लें आप नाम इसका, ये सरीन एयरलाइन ली है। अभी सरीन एयरलाइन क्यों ली है, न्यू एयरलाइन है और ये सऊदीया टू न्यू, इन लोगों ने अभी ये शुरू किया है पाकिस्तान के लिए। तो पहले पी ए और एयर ब्लू जा रखी थी सऊदी, वैसे तो जा तो सभी रही हैं वाई के साथ, सऊदी एयरलाइन भी डक जा रही है, पी ए भी डक जा रही है और एयर ब्लू भी डक जा रही है। उनके रेट मैंने आपको बता दिए हैं पहले, यानी कि पी ए आपको 550-600 के राउंड में मिल रही है 60+7 kg 70 किलो वजन, एंड एयर ब्लू मिल रही है 550-550 के राउंड में 60-70 किलो प्लस 7 kg, ठीक है। ये सरीन एयरलाइन न्यू आई है, मैं ट्विटर पर देख रहा था इनकी थोड़ी जो पॉपुलरिटी है वो मैं देख रहा था अच्छी है, यानी कि जहाज़ वगैरह बेहतर दिखा रहे थे। तो साथ वाले दोस्त ने भी बोला कि अच्छा, बहुत से एजेंटों ने हमें ये बोला जो ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं कि ये तजर्बा है जी आप कर लें, जाती तो टाइम से यार लेकिन तखीर हो जाए उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने बोला चलो तजर्बा ही करते हैं। तो फिर ये ले लिया जी, सिर्फ और सिर्फ 450 रियाल में, 450 रियाल में ली है जी, 70 किलो वज़न और 7 किलो का हैंड कैरी। 70 किलो वजन में 3 पीस आप बनाएंगे और 7 किलो का हैंड कैरी, लैपटॉप उसके अलग मैं ले जा सकता हूँ जो मेरे पास है, ठीक है। ये इसके रेट थे सरीन एयरलाइन जो हमने खरीदी है। अभी किस डेट को है ये मैं आपको आगे इंशाल्लाह तरह बताता रहूँगा और तमाम तरह तफसील आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा जब हम एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, बैग कितनी है, वजन कितना है, कैसे, वो तमाम तफसील इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं तमाम तर डिटेल के साथ, यानी एयरपोर्ट से, जहाज़ में, जहाज़ से पाकिस्तान वगैरह 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 जो भी हो।